सपोर्ट का ही जरूरत है फ्रेंड्स, आप सभी सपोर्ट करेंगे ना तो घर में कुछ तो जगह मिल सके हम लोग को, क्योंकि आपको मालूम है कि दुनिया में कहीं भी कुछ चले तो आदमी अगर सक्सेस हो जाता है ना गाइस, तो थोड़ा बहुत उनको सभी लोग सपोर्ट करने लगते हैं। हम लोग जो है अभी छुप छुप के वीडियो बनाते हैं, पता नहीं है ना लोगों को लगता है क्या कि मैं गलत डिसीजन ले लिया वहां से आने के बाद। वैसे मत दिमाग में कुछ बात लो, वहीं पे कुछ करके खाते हैं हम। अब अपना अपना घर द्वार तो आज नहीं तो कल अपना होगा ही ना। हाँ, हमारा ही घर है, हमारा ही सब कुछ है। मैं भी चाहती हूँ खुशी खुशी मेरा घर का सारा काम मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हाँ बोलो ना, अच्छे से बातें करो ना, क्या लव मैरिज करे हैं हम लोग तो हमारे बच्चे हमारे सर से ऊपर हो गए अभी तक। चुप हो जाओ ना, अभी इतना एडजस्ट करना पड़ता है लव मैरिज में जी। हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का समय है, आज का भी जो मौसम है ना बहुत ही ठंड है। पीछे आप खिड़की से आपको दिख रहा होगा कि कैसा मौसम है। यहाँ पे सोई हुई है माला, इसको सुबह से मैं जगा रहा हूँ। टाइम जो है अभी 6:30 बज चुका है और 5 बजे से ही मैं जगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे गांव में जो है ना 5 बजे फ्रेंड्स पूरा सुबह हो जाता है, लेकिन कुहासा के वजह से थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। बट माला भी जग नहीं रही है, थोड़ी सी नाराज़ है घर की परिस्थिति लेकर के, और मेरे से भी थोड़ी सी नाराज़ है। अब क्या होता है गाइस, अगर इनका बात सुनता हूँ तो फिर ये मतलब नहीं सुनता हूँ तो माला नाराज़ हो जाती है, घर वाले का बात नहीं सुनूंगा तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, तो बीच मझधार में मैं अटक जाता हूँ। तो कभी कभी इनकी बातों को इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन मम्मी पापा के बातों को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, आप लोग ही बताइए। इसलिए ये बोलती है कि हम ऐसा बोलते हैं तो आप नहीं सुनते, तो इनको मैं क्या बोलता हूँ, तुम मेरी जीवन साथी हो, तुम खुद समझ सकती हो, लेकिन मम्मी पापा तो हमें जन्म दिए हुए हैं तो उनकी बातों को हम इग्नोर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और तुम भी मत करो। जैसे होता है वैसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो, मन में कुछ ऐसी बात मत रखो। इस वजह से ये नाराज़ हो गई है। मैं तो जहाँ तक इसे नाराज़ करने का कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन किसी न किसी कारण से हो ही जाता है फैमिली में। तो आप ही बताइए इनको क्या बोलूँ। चलो उठ, चलो चलो बेबी, मत उसे करो, चलो घर में ऐसे होता है ना, थोड़ी बहुत परेशानी तो उसे मतलब ये मत करो, है ना। कुछ भी अपने मम्मी पापा, जीवन में सब कुछ मिल जाता है इंसान को, लेकिन मम्मी पापा नहीं मिलते हैं। हम क्या बोलते हैं, चलो चलो, सुबह हो गई, काफ़ी टाइम हो गया है, 6:30 हो गया। तो फ्रेंड्स को तो कुछ बोल दो तुम भी बेबी। दिमाग में कुछ बात रखो ही मत, आए समझ में, दिमाग में ज्यादा बात रखने से ना और परेशानी बढ़ती है। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मत टेंशन लो, चलो उठ जाओ। मन को मत छोटा करो, उतना ज़्यादा दिमाग में ये सब बात लेने से और प्रेशर होता है। क्या अपने से छोटे लोग थोड़ी ना बोलते, अपने से बड़े लोग ही बोलते हैं, तो आशीर्वाद समझ के इसे टाल दिया करो। अब मुझे भी तो कितना बोलते हैं, लेकिन मैं थोड़ी ना इस चीज़ को मन में लेता हूँ, मन में मत लिया करो कोई भी चीज़। मेरी मम्मी पापा बोलेंगे आपको तो कैसा लगेगा? मैं नहीं रखूँगा मन में, बोले तो क्या, अपने से बड़े हैं ना, कोई नहीं ना, तुम्हारी मम्मी पापा भी बोलेंगे तो अपने से बड़े हैं, ऐसी क्या बात है, बोलेंगे बोलेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस, हम लोग यहीं पे सोते हैं, तृप्ति बेटा यहाँ पे सोई हुई है, देख पा रहे हैं ठंडे का मौसम है और कितना घुटुर मुटुर होकर सोई हुई है। यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया है, इसके वजह से ना मुझे बुखार भी है, ऐसा मन बहुत ही लग रहा है, भारी भारी लगता है। मौसम इतना खराब हो चुका है ना फ्रेंड्स यहाँ का, देखिए अभी भी पानी टपक रहा है यहाँ पे, देखिए सूर्य दिख पा रहा है क्या, पानी टपक रहा है पूरी रात जो है ना, इसमें टीन में जो है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए पानी भर जाता है इसमें, ये देखिए ना, ये देखिए पानी भर जाने की वजह से क्या होता है, पानी मतलब रात भर ऐसे बूंद बूंद टपकते रहता है और इतना मौसम खराब है, और ये चीज़ के लिए मैं थोड़ा
थोड़ा देर वो लेट उठेंगे ना तो बहुत ऐसा घर में सुबह सुबह माहौल दूसरा बन जाएगा। इसके लिए मैं भी इनको बोलता हूँ कि मत जाने दो, थोड़ा बहुत तकलीफ होना अपने को। विश्वास नहीं होता है ना फ्रेंड्स कि हमारे पास है या नहीं है, इतना ही है, इसके वजह से भी भाभी लोग ऐसे रह रहे हैं। तो चलिए आपको नीचे ही हम दिखा देते हैं जो हम सब कुछ परचेज करके रखे, लेकिन वही चीज हमारा ही चीज हमको नहीं मिल रहा है। ठंडी इतनी है ना दोस्तों, कल देखिए महाराष्ट्र से जब हम लोग निकले थे ना तो यहाँ पे देखिए जितना हमारा बिछावन था ना सारा कुछ गंदा हो गया था। तो कल के दिन माला बोली कि इनको साफ कर दीजिए, सबको मैं साफ किया हूँ, लेकिन इधर धूप ही नहीं निकल रही जिसके कारण से नहीं सूखा पूरा दिन कल वैसे रहा, रात में भी। तो अभी तक जो है ना दोस्तों देखिए पूरा का पूरा मेरा बिछावन वैसे का वैसे है रात में। इसके लिए और हम भी ये स्वेटर का भी जरूरत है मुझे, ये देखिए ये जैकेट को वहाँ पे खरीद दिए थे। आप लोग रेगुलर हमारे चैनल पे बने हुए तो आपको मालूम होगा कि माला वहाँ पे काफी ठंड लग रही थी, इसको जैसे ये वाला जैकेट खरीद दिए थे और ये वाला जैकेट घर पे ही छोड़ के चले गए थे। माला मकरी ने कैसा जाल लगाया है और कुवेस में कैसा दिख रहा है आप लोग को फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसा बताइए कैसा मौसम है। और ये हमारा सूख जाएगा तो हम लोग क्या सोचते हैं ऊपर से जो पानी गिरता है ना ऐसा चदरा में जो हम लोग सोते हैं तो उसके ऊपर ये डाल देंगे ना मच्छरदानी के ऊपर, थोड़ा पानी नहीं गिरेगा और पानी गिरेगा तो उसके ऊपर गिरेगा। अभी क्या होता है वो मच्छरदानी है उसके ऊपर से पानी गिरता तो सीधा मुंह पे ही आता है और पूरा मुंह तो ढक के कितना देर सोए कंबल के नीचे, ऐसी परेशानी हो रही है। तो ये भी अभी तक नहीं सूखा, इतना सारा कपड़ा वैसे का वैसे अभी तक। और हम लोग अपने छत के ऊपर हैं, यहाँ का व्यू देखिएगा इस कैसा है और ठंड कितनी है आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। और हम लोग जो है अभी छुप छुप के वीडियो बनाते हैं, पता नहीं है ना उसके वजह से। तो चलिए आपको लिए चलते हैं नीचे और दिखाते हैं हमारा रियल और जो भी है या नहीं है हमारे पास वो भी आप सभी के साथ शेयर करते हैं सबूत के साथ। देखिए गाइस ये सीना का हाल, ये पानी देखिए हाथ अभी मेरा पूरा सूखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ कितना पानी निकलता है इसमें से। देखिए हाथ अभी पूरा सूखा है ना, ये देखिए टीना में ऐसे करूंगा ना, ये देखिए गाइस पूरा पानी पानी। चलिए 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 बहुत ऐसा हाल है, तृप्ति उठेगी देखो जगेगी तो जगा दो, रहने दीजिए सोने दीजिए इधर नहीं बीच में लगा दो ना नहीं तो गिर जाएगी तो फिर इसको भी ठंडी लगती रहती है साइड में आ जाती है। यहाँ पे जो मैं बोल रहा था देखिए यहाँ से पानी गिरता है और इसके ऊपर तो कुछ है नहीं तो पानी सीधा मुंह पे जाके गिरता है, सोच रहे हैं वो सूख जाएगा तो इसके ऊपर लगा देंगे ना तो पानी नीचे तक नहीं आएगा। तो आज अगर धूप निकलेगी अच्छा खासा तो फिर वो सूख सकता है, तो आपके साथ तो जरूर शेयर करता ही रहूँगा। यहाँ पे देखिए हम लोग जो सोते हैं ना इस सीढ़ी वाला जो छत है उसके ऊपर में सोते हैं, अभी माला शरीर से नीचे उतरेगा इस और वहाँ पे हम लोग सोते हैं, मच्छरदानी लगी हुई है देख पा रहे हैं। उसके नीचे जस्ट आइएगा फ्रेंड्स तो ये हमारा घर है आप देख पा रहे हैं। तो पहले हम लोग वो वाला जो दरवाजा लगा हुआ है उस रूम में सोते थे, बट अभी उस रूम में हम लोग को सोने के लिए नहीं दिया जा रहा है। माला यहाँ पे जो ताला खोल के अंदर एंट्री कर रहे हैं इसी रूम में हम लोग सोते थे और इस अंदर अगर सोएंगे तो ठंडी तो बिल्कुल नहीं लगेगी। ऐसे भी खुला रहेंगे ना घर में तो भी नहीं ठंडी लगेगा। ये रहा हमारा पहले का बेडरूम और यहाँ से हो रही है माला की दिन की शुरुआत झाड़ू मारने से। देखिए कितना इतना बड़ा जो ग्राउंड फ्लोर है ना, ये हमारा आंगन आपको पीछे दिख रहा है, ये अभी सभी को साफ हमारा घर का बरांडा। फिर चार रूम है इस घर में, सब रूम को साफ सफाई करना पड़ेगा। तो पूरा आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन माला की दुनिया पे मैं शेयर कर रही हूँ। तो काम तो मुझे सब बोले है करने के लिए, काम में कोई ये नहीं करने बोला है तो काम तो जितना है सब करना ही है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख पा रहे गाइस ये जो है हमारे घर का पूरब साइड का दरवाजा है और यहीं से झाड़ू मारना माला का चालू होता है। और जो भी घर के काम करती है ना जितना भी काम है सारा का सारा वीडियो हम लोग माला की दुनिया के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग से प्लीज गुजारिश है कि माला की दुनिया यूट्यूब चैनल में आप लोग जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे जितना भी काम माला को करना रहता है सारा कुछ हम वहाँ पे डेली का रूटीन शेयर कर रहे हैं अपने गांव का। करूंगी ना फ्रेंड्स ये चीज नहीं करूंगी ना तो फिर ऐसा पड़ने वाला है, घर से बाहर मुझे निकलना पड़ेगा मेरी मम्मी के घर। तो आप लोगों से फिर से गुजारिश है गाइस कि हम जो भी काम करते हैं अपने घर में जो भी माला काम करते हैं मैं सारा का सारा वीडियो माला की दुनिया पे शेयर करते रहता हूँ। तो प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि वहाँ पे जाए और वीडियो को कंटिन्यू देखिए, नए चैनल पे आए हुए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। फ्रेंड हम लोग चले गए थे वीडियो बनाने के लिए नीचे, हमारा जो काम कर रही थी यहाँ पे देखिए तृप्ति बेटा भी जग चुकी है, ये मम्मी पापा को नहीं देखी ना इसलिए जग गई। उठेगी बेटा उठो जैकेट पहन लो, तो उठो चलो दादी जी के पास जाएगी, उठो चलो।
अभी इस मच्छरदानी को थोड़ा खोल लेता हूं मैं। तते और सोगी बेटा बाबू? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तृप्ति बाबू कैसे सोई है एकदम घुटर मुटर करके पापा के गोद में, क्योंकि ठंडी इतनी है। आपने देखा बाहर का नजारा अभी तक देख पा रहे, पीछे जो है ना पूरा कुहेसा लगा हुआ है। उसको जैकेट पहनाते हैं और फिर चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं कि माला क्या काम कर रही है फिलहाल। और तृप्ति कहाँ पे जाएगी? दादी के पास। दादी के पास है, बोलो फ्रेंड्स को हाय। तृप्ति बेटा जग चुकी है, इसको टोपी पैताबा सारा कुछ नीचे लगाना है। तृप्ति की मम्मी किधर है? किधर है जी? यहाँ पे पूजा रूम में, वो उधर काम कर रहे। तो चलिए सबसे पहले तृप्ति बाबू को तैयार कर देते हैं और इसको छोड़ते हैं मम्मी के पास। अच्छा मतलब दादी के पास, तेरी दादी के पास। ओके, तेरी दादी मेरी मम्मी हुई ना बेटा, है कि नहीं? फ्रेंड्स तृप्ति वो सारा कपड़ा पहना के रेडी कर दिए हैं। गुड मॉर्निंग बोलो फ्रेंड्स को। हाँ बोल दी फ्रेंड्स तृप्ति ने, क्योंकि ठंडी का समय है और इसे छोड़ते हैं अपने मम्मी के पास। चलो तृप्ति के दादा, तृप्ति के दादी के पास। इसको जो गाइस हम बोलते हैं ना कि मेरी मम्मी के पास, तो ये बोलती नहीं मेरी भी मम्मी है, बच्चे का ऐसा रहता है। और माला जो है जब तक करे साफ सफाई और आके आपको मिलते हैं इसको दादी जी के पास छोड़ के, है ना तृप्ति? चलो चल के जाएगी गोदी में, जाएगी गोदी में। चलो चल के चलो ना, फिर एक्सरसाइज होता है बेटा सुबह सुबह। चलो 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 जाओ। तो फ्रेंड्स तृप्ति को आ चुके हैं मम्मी के पास छोड़ के, और माला का तो झाड़ू बहाड़ू का काम चालू है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का मेरा मन है। तो तुम कुछ बोलना चाहेगी फ्रेंड से? क्या बोलेंगे, आपके वजह से मैं ये सब चीज करती हूँ मालूम है क्या? नहीं तो मैं, मुझे छोड़ दीजिए मेरे मायके। नहीं नहीं वैसा कुछ मत बोलो, वैसा कुछ गलत मन में मत रखो, करो मैं हूँ ना सपोर्ट में। मेरा ही घर में मैं पराया जैसा रह रही हूँ, पता है क्या? वो सब छोड़, चलो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ करके भी बातें सुनो, ये करो वो करो, क्या है मतलब? एक तो तकलीफ हो रहा है मुझे, इतना परेशानी बढ़ा है, आपको पता है। मुझे मालूम है बाबा, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं देता। पूरी रात में दर्द में हूँ, फिर भी अभी नहीं करूँगी ना तो बातें सुनना मिलेगा। बोला दो दिन उठ के कर दी, अभी हो गया क्या तेरा? चालू चलो ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं हूँ सपोर्ट में। वैसे कुछ मत मान, आप वैसे ही बोलते है जी। मुझे तो कभी कभी लगता है क्या कि मैं गलत डिसीजन ले लिया वहाँ से आने के बाद। वैसे मत दिमाग में कुछ बात लो, वहीं पे कुछ करके खाते हैं हम। अब अपना अपना घर द्वार तो आज नहीं तो कल अपना होगा ही ना। हाँ, जी हमारा ही घर है, हमारा ही सब कुछ है। वो नहीं है, इसको भाई भी नहीं है। भाई रहता तो क्या होता, फिर तो हम लोग सैड हो जाते फिर। चलो कोई टेंशन मत लो। तो गाइस इसी तरीके से थोड़ी सी परेशानी है, तो मायूस मत रहा करो यार, अच्छा नहीं लगता है। मैं भी चाहती हूँ खुशी खुशी मेरा घर का सारा काम मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हाँ बोलो ना, अच्छे से बातें करो ना। क्या लव मैरिज करे हैं हम लोग, तो हमारे बच्चे हमारे सर से ऊपर हो गए अभी तक। चुप हो जाओ ना अभी, इतना एडजस्ट करना पड़ता है लव मैरिज में जी, मुझे पता नहीं। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यही पेंट करने का दीजिए इजाजत। अच्छा चलो, क्योंकि वीडियो बना रही है फ्रेंड्स इसलिए आप लोग को बता रही हूँ, लेकिन नहीं तो हमारे रियल लाइफ ही ऐसे है। तो फ्रेंड्स आगे का जो भी काम करेगी ना माला, तो आपको माला की दुनिया पे हम शेयर करेंगे। यहाँ से जो भी रूटीन इसका रहेगा तो सारा कुछ हम माला की दुनिया पे शेयर करें। तो प्लीज गाइज आप लोग वहाँ पे जाए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखे, शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए। बाय बाय बोल दो फ्रेंड्स को। थोड़ा सा मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, हस्बैंड जी का काम नहीं है, ये भी मायूस रहता है काम नहीं है तो घर में गांव देहात में इतना देखो, काम बिल्ली नहीं फिर से घुसा है। ये बिल्ली तो ना गोली सुनाने के लिए आते, बिल्ली ना गाइस हमेशा घुसाता है रूम में दूध पीने के लिए। इसके लिए मैं करती हूँ क्योंकि काम नहीं है ना, और गांव में जल्दी से काम भी कुछ है तो काम बाहर हो जाएगा। जितना टेंशन मतलब ज्यादा टेंशन लेके अपना तबीयत खराब मत करो। तो गाइस आज के इस वीडियो को यही पेंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर से। ये जो सर है मेरा हमेशा दुख रहता है, ठीक हो जाएगा। चलो तो मिलते हैं फ्रेंड्स माला की दुनिया में, आप सभी कंटिन्यू बने रहे वहां से भी। बाय बाय फ्रेंड्स।